रेवाड़ी में चोरों ने पॉश इलाके से क्रेटा कार चोरी कर ली। चोरी की वारदात उस जगह हुई जहां से पुलिस चौकी महज 50 कदम की दूरी पर है। ये वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें चोर कार चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईंट भट्टा संचालक मुकेश कुमार ने उनकी क्रेटा कार रात में घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह दिल्ली जाने के लिए घर से बाहर निकले तो कार खड़ी नहीं मिली। कल हमारी गाड़ी चोरी हो गई, क्रेटा जो घर के सामने बिल्कुल खड़ी थी, और सुबह बच्चों ने दिल्ली जाना था, 7 बजे जब बच्चे बाहर आए तो जब वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली तो अड़ोस पड़ोस में पूछा, पता चला फिर पड़ोसियों के CCTV से पता चला गाड़ी चोरी हो गई। तो क्या मानते हैं आप, किस लापरवाही में पुलिस गश्त नहीं लगाती, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पुलिस प्रशासन का तो जो मीडिया में और न्यूज़पेपर में हम डेली पढ़ते हैं या सुनते हैं, शहर में तो बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही है। अभी मंडी में वारदात हुई, अभी डिंको हाउस पर चोरी हुई डेली, अभी पीछे कमला पैलेस में चार पाँच ताले तोड़ दिए, तो शहर में तो बे इंतहा चोरियाँ बढ़ रही है। CCTV कैमरे चेक किए गए तो उसमें चोर कार चोरी करते हुए साफ नजर आए। मुकेश ने कार में GPS सिस्टम भी लगाया हुआ था, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। ये मुकेश कुमार सनो पुरंचन है, मकान नंबर 207 सेक्टर 3 से। कल सूचना दी उनकी क्रेटा गाड़ी उनके मकान सामने चोरी हुई। CCTV फुटेज एनालिसिस किया, उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी में दो व्यक्ति आते दिखाई दे रहे हैं, अनलॉक करके गाड़ी को ले गए। तो जैसे मुदई ने हमें इंटीमेशन दी कि गाड़ी में GPS है, उसके अकॉर्डिंग हमने दिल्ली तक इसकी टीम भेजी है। जो भी सूचना उन्होंने प्रोवाइड की है, जो टोल किया उसको भी, उसके अकॉर्डिंग हम गाड़ी में मुजरमान बारे तलाश कर रहे हैं। रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।